इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। आज जानते हैं विटामिन B3 आपके दिल के लिए क्यों जरूरी है। तो चलिए जानते हैं नियासीन, जिसको निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। विटामिन B3 के नाम से भी हम जानते हैं, यह भी दूसरे सारे जरूरी पोषक तत्वों की तरह है, आपके शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है। आपके शरीर में विटामिन B3 का अच्छा स्तर होना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन होता है। और अगर इलाज के नजरिए से देखा जाए तो नियासिन का अच्छा लेवल आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियमित करता है। इसके साथ यह आपको दिल की बीमारियां होने की संभावनाओं को कम करता है। तो चलिए जानते हैं नियासिन के बारे में कुछ और काम की जानकारियां। मुख्य तौर पर इसका इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियमित करने के लिए होता है। कई मेडिकल रिसर्च यह दिखाती है कि नियासिन का बढ़िया स्तर आपके शरीर में से HDL कोलेस्ट्रॉल यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है, जबकि ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करता है। इसके साथ साथ नियासिन जो है वह बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के स्तर को भी कम करता है। लेकिन एक बात जो आपको ध्यान में रख लेनी जरूरी है कि कोलेस्ट्रॉल के ट्रीटमेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल करते समय नियासिन की काफी ज्यादा मात्रा में डोज लेनी पड़ती है, इसलिए ऐसी सिचुएशन में इसे सप्लीमेंट के तौर पर लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। सामान्यतः हरी पत्तेदार सब्जियां, मछली और अंडों में प्राकृतिक तौर पर नियासिन पाया जाता है, लेकिन फिर भी आजकल की दैनिक दिनचर्या में लोगों का आहार विहार अच्छा नहीं होने की वजह से कई तरह के जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका तो यह होता है कि आप अपनी दिनचर्या में कुछ छोटे छोटे परिवर्तन करें और इसके साथ ही सप्लीमेंट लें। कई सारे अध्ययनों में ऐसा पाया गया है कि आपके शरीर के अंदर नियासिन का स्तर अच्छा होता है तो आप और भी कई तरह की बीमारियों जैसे धमनियों में होने वाली किसी भी तरह की कोई समस्या, हड्डियों से जुड़ी बीमारियां और दिल की बीमारियों से बच जाते हैं। लेकिन फिर भी किसी भी वजह से आपके शरीर के अंदर अगर विटामिन B3 की कमी है, अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें और निर्धारित मात्रा में सप्लीमेंट लें। नियासिन की कमी से निम्न तरह के लक्षण या समस्याएं हो सकती है जो निम्न है। इसकी कमी आपके नर्वस सिस्टम पर बुरा असर डालती है, आपके पाचन तंत्र पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही आपको चर्म रोग होने की संभावना भी बढ़ जाती है। दूसरे कई पोषक तत्वों जैसे कि विटामिन और B6 और लोह तत्व यानी कि आयरन की कमी भी नियासिन की कमी का कारण बन सकती है। तो ये है नियासिन की जानकारी। एम्वे न्यूट्रीलाइट नेचुरल बी विद यीस्ट लेने से आपको विटामिन B3 मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।